बीजेपी से सस्पेंड नूपुर शर्मा और बीजेपी से निष्कासित नवीन कुमार जिंदल की विवादित टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार दूसरे दिन हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। ये घटना हावड़ा के पंचला बाजार की है। यहाँ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसा के मद्देनजर हावड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग को और रेलवे स्टेशनों के हिस्सों में और उसके आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि ये 15 जून तक जारी रहेगी। इससे एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को भी उपद्रवियों ने हावड़ा के पंचला इलाके में पथराव किया था और हावड़ा जिले में अलग अलग जगहों पर सड़कों और रेल की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया गया था। वहीं राज्य सरकार ने इस घटना पर एहतियाती कदम उठाते हुए हावड़ा जिले में शुक्रवार की शाम को इंटरनेट सेवा स्थगित कर दी थी। अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल हालात काबू में है और पुलिस ने हावड़ा के सलाप और उलबेरिया में अवरुद्ध मार्गों को खुलवा दिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की धूलागढ़, पंचला और उलबेरिया में पुलिस के साथ झड़प तब हुई जब उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 6 की नाकाबंदी खुलवाने की कोशिश की। Let's go.